बिहार में बची नीतीश की कुर्सी 125 सीटों के साथ फिर बनेगी एनडीए सरकार। महागठबंधन के खाते में गई 110 सीटें। सीमांचल ने लगाई तेजस्वी के सपने में सेंध। सीमांचल ने राजनीतिक पंडितों को किया खारिज। महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नुकसान पहुंचाया। बिहार में महागठबंधन के महबूब आलम को मिली सबसे बड़ी जीत। 53,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। कई और सीटों पर प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से दर्ज की जीत। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज 10:30 बजे शुरू होगी। मीटिंग अर्थव्यवस्था महंगाई समेत कई मुद्दों पर होगी बात। सामना में तेजस्वी की खूब तारीफ। लिखा शिवसेना को जाता है नीतीश के सीएम बनने का श्रेय। हमारी वजह से नीतीश की आई बहार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में गेम चेंजर साबित हुई बसपा। बीजेपी कांग्रेस दोनों का किया नुकसान। 6 सीटों पर बीएसपी के प्रदर्शन का प्रभाव जीत हार पर पड़ा। बिहार में नीतीश सरकार के 5 मंत्रियों को भी मिली हार। नतीजों के बाद गंवानी पड़ी विधायक की। जेडीयू के कई दिग्गज नेताओं को भी करना पड़ा हार का सामना। एमपी की सबसे चर्चित सीट डबरा कांग्रेस की झोली में। इमरती देवी अपने ही रिश्तेदार से हारी। समधी कांग्रेस के सुरेश राजे बने विजयी। बिहार चुनाव के नतीजों के बीच राहुल गांधी आज छुट्टियां मनाने जाएंगे जैसलमेर। एक रात टेंट में रेतीले धौरों पर बिताने का कार्यक्रम। सूर्यगढ़ होटल में सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मुंबई ने 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। चैंपियन मुंबई इंडियंस को मिला 20 करोड़ रुपए का चेक। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 12 करोड़ 5 लाख रुपए इनाम की हकदार बनी। डोनाल्ड ट्रंप से तलाक पर मेलानिया ने तोड़ी चुप्पी। कहा पूर्व राजनीतिक सहयोगी ओमारोसा मैनीगॉल्ट न्यूमैन फैला रही है झूठ। न्यूमैन ने किया शादी खत्म करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बहाने भारत को चेतावनी दे रहा चीन। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में भड़का ड्रैगन। कहा अमेरिका को चीन ने किया अलग थलग। हार के बाद ट्रंप ने चीन पर निकाला गुस्सा। कम्युनिस्ट पार्टी के 4 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका यात्रा और यहां किसी भी तरह की संपत्ति हासिल करने पर लगाई जाएगी रोक। नागपुर में रह रहा बाइडेन परिवार। कहा हम जो बाइडेन के दूर के रिश्तेदार। बाइडेन 2013 में बतौर उपराष्ट्रपति आए थे भारत। चीन में एयरपोर्ट पर एक कर्मचारी मिला पॉजिटिव। प्रशासन ने की 8,000 लोगों की जांच। चीन में अब तक 80,000 मामले आए सामने। फ्यूचर की रिलायंस सौदे में हस्तक्षेप नहीं करने की याचिका पर दिल्ली हाई